जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले का भी भला ते सत्संग सुनन वाले का भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् पारब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 45वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, गुरु जी महाराज ने भक्ति करने का बहुत ही आसान तरीका हमें बताया। गुरु जी महाराज ने समझाया कि हम अपने दैनिक कार्यों को करते हुए भी नाम सिमरन कर सकते हैं। वे कहते थे कि दिन में आप जब भी उन्हें श्रद्धा भक्ति से याद करो, वही अमृत वेला है। गुरु जी ने हमें अंधविश्वासों से बाहर निकाला। गुरु जी कहा करते थे कि मैं थोनू इस कीचड़ चो कड्डन ही आया हूँ। संगत जी, हम सभी इस संसार रूपी कीचड़ में ही तो फंसे हुए हैं, और इस कीचड़ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, सिमरन। जितना ज्यादा हम सिमरन करेंगे, जितना ज्यादा हम गुरबानी सुनेंगे, गुरु जी को जितना ज्यादा हम याद करते जाएंगे, उतना अधिक ही हमारा मन निर्मल होता जाएगा, और हम काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से उतना ही दूर होते जाएंगे, निंदा चुगली से स्वयं ही दूर होते जाएंगे। संगत जी, गुरु जी ने तो जो भाग्य में नहीं लिखा था वो भी दिया। जिनकी जिंदगियां नहीं थी उन्हें लाइफ ब्लेस की, उनकी मृत्यु तक को गुरु जी महाराज ने टाल दिया। संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ जुड़ने के बाद हमारी लाइफ उन्हीं की प्लानिंग के अनुसार चलती है। जीवन में जो कुछ भी होता है उन्हीं की आज्ञा अनुसार ही होता है। हमारी जिंदगी की बागडोर गुरु जी संभालते हैं। संगत जी, हम सब गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें ना, उतना कम है। उन्होंने जितनी रहमतें बरसाई हैं हम सब की जिंदगी में, उसका शुक्राना भी करना संगत जी बहुत मुश्किल है। बस गुरु जी से यही अरदास है कि इन्ना उच्चा नाल जावी के मैं तेनु भूल जावा, एना है थावी ना सुती कखा विच रुल जावा, जेड़ा भुगत सका मैं, जेड़ा भुगत सका मैं, तू बेआने जोगा रखी, तेरा हर वेले करा शुक्रन जोगा रखी, तेरा करदार वा मैं शुक्रन जोगा रखी, शुक्रन जोगा रखी, चढ़ी हर वेले रवे तेरे नाम दी कुमारी, ना ही रसना मेरी चो गल निकले कोई माड़ी, ना ही रसना मेरी चो गल निकले कोई माड़ी, सदांग संग होवी तू कदे ना मुख वटी, तेरा करदार वा मैं शुक्रन जोगा रखी, तेरा हर वेले करा शुक्रन जोगा रखी, शुक्रन जोगा रखी। क्या करिए संगत जी, बस यही अरदास यही प्रार्थना किया कीजिए गुरु जी के चरणों में कि वो हमेशा हम सबको अपने चरणों से जोड़े रखे, सेवा सत्संग सिमरन देते रहे। संगत जी, आज का सत्संग भी इसी तथ्य से जुड़ा हुआ है। आज का सत्संग नरेश खंडेलवाल जो कि गुड़गांव से है, उनका है। संगत जी, आइए संगत जी हम उनके ये दिव्य अनुभव जो उन्हें गुरु जी के साथ हुए उनका श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए। यमदूतों से मुक्ति। श्री नरेश खंडेलवाल की पत्नी जो 30 वर्ष से कुछ अधिक की रही होंगी को ज्वर हो गया था। पता लगा कि उसे डेंगू ज्वर था, उसके गुर्दे प्रभावित हुए थे।
गुड़गांव में चिकित्सकों ने उसका उपचार करने से मना कर दिया था क्योंकि उसके बिंबाणु की मात्रा केवल 10,000 थी, जैसे ये अपर्याप्त था। मंगलवार को एक रक्त वाहिनी फट गई और रक्त प्रवाह को रोक पाने में असमर्थ चिकित्सकों ने उसे चिकित्सालय से मुक्त कर दिया। फिर उसे नोएडा के मैक्स चिकित्सालय में प्रविष्ट कराया गया। नरेश के भ्राता गुरुजी के भक्त थे। यह घटनाएं देखकर वह और उनकी पत्नी अत्यंत उद्विग्न हुए और उन्होंने गुरुजी के एक अन्य अनुयायी को फोन किया और पूछा कि क्या वह उस दिन मंगलवार को ही गुरुजी के दर्शन कर उनको समस्या से अवगत करा सकते हैं। उन्हें बताया गया कि गुरुजी तो स्वयं ईश्वर है, वे अपनी शरण में आए हुए किसी को भी कष्ट नहीं होने देंगे। इस अवधि में मैक्स के चिकित्सकों ने भी हाथ खड़े कर दिए। बृहस्पतिवार को नरेश गुरुजी के पास गए। जैसे वे गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे, वे अपने को रोक नहीं पाए। उन्होंने गुरुजी को बता दिया कि उनकी पत्नी डेंगू से पीड़ित है। गुरुजी का उत्तर स्वयं में सांत्वना देने वाला था। डेंगू डेंगू की होता है, चल जा, कुछ नहीं होया उसने। नरेश जैसे ही चिकित्सालय वापस पहुंचे, उनकी पत्नी के बिंबाणु की संख्या प्रत्येक परीक्षण में ऊपर बढ़नी आरम्भ हो गयी। 12,000 से 30,000, 50,000, 1,00,000, 15,00,000 आदि। गुरुजी के आशीर्वाद से उसके शरीर में उपचार की प्रतिक्रिया आरंभ हो गई थी। चिकित्सालय में ही एक रात को वह चीखती हुई उठी। उसके आसपास सबने पूछा कि क्या हुआ। उसने स्वप्न देखा था कि तीन काले मनुष्य उसको खींचकर ले जा रहे थे और वे बचाने के लिए पुकार रही थी, किंतु उसके सब और खड़े हुए समूह में से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर उसने गुरुजी को पुकारा, वह आए, यमदूत चले गए और वह बच गई। यह स्वप्न उसने दो बार देखा और उसे प्रतीत होने लगा कि उसे गुरुजी ने ही जीवन दान दिया है, केवल वह ही ऐसा कर सकते हैं। एक सप्ताह में उसे चिकित्सालय से मुक्ति मिल गई और फिर उसके गुर्दे ठीक करने के लिए उसे डायलिसिस पर डाला गया। आज वह माँ, पत्नी और बेटी तीनों की भूमिका निभा रही है। गुरुजी ने यमदूतों को वापिस भेज दिया था, क्या कोई और ऐसा कर सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, आज की सेवा के लिए लख लख शुक्राना। जय गुरुजी।